चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 2 sin² x प्लस में है आपका साइन एक्स और बराबर में है 3। हमें 0 से 1000 डिग्री के बीच में x का मान निकालना है, तो एक काम करिए 3 को इधर लाइए, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin² x प्लस में साइन एक्स और माइनस का 3 = 0। इसका फैक्टर करेंगे ना, इसको दो पार्ट में करेंगे, तो यहाँ 2 sin² x है ना प्लस में यहाँ क्या करते हैं कि 3 sin x और माइनस का 2 sin x ले लेते हैं। देखिए घटेगा तो आपका आ जाएगा साइन एक्स और इंटू होगा तो -6 sin² x आएगा, इसके गुना के बराबर आ जाएगा ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, या कॉमन है आपका साइन एक्स है ना, यहाँ बचेगा 2 sin x प्लस में 3, यहाँ भी -1 कॉमन होगा ना, क्योंकि यहाँ तो और कुछ कॉमन है नहीं, तो 1 कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा 2 sin x है ना, और ये माइनस कॉमन हुआ इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सेम ब्रैकेट में आ गया ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin x + 3 और एक आ जाएगा आपका साइन एक्स और यहाँ -1 = 0। समझ रहे हैं इतना बात को। अब इसको आपको अलग अलग करना होगा, तो अलग अलग यहाँ से करिएगा तो यहाँ होगा 2 sin x + 3 = 0 और एक होगा sin x - 1 = 0। तो यहाँ से तो आपका साइन एक्स का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -3/2 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि साइन का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के तक होता है, लेकिन ये तो -3/2 है, इस रेंज में नहीं है, इसलिए यहाँ साइन एक्स बराबर लेंगे उधर जाके 1। अब देखिए ये साइन एक्स बराबर 1 होने का मतलब 1 कितना डिग्री का होता है साइन में, तो साइन 90 का होता है ना, तो यहाँ पे 90 का मतलब क्या, π/2 है ना। तो साइन एक्स बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में जब हो तो आपको पता है कि एक्स बराबर क्या लिखा जाता है, क्या होता है, (n π + -1)^(n)α यानी कि π/2 n बिलोंग्स टू जेड। चूंकि आपको किसके किसके बीच में निकालना था, तो 0 से 1000 के बीच में कोण निकालने हैं, तो आपको शुरुआत करना होगा, अगर माइनस में लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना माइनस, तो 0 से शुरू करिए और इनके जगह 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी π/2 बचेगा, यानी कि 90 बचेगा, π/2 बचेगा है ना। पहले रेडियम लिख देते हैं, बाद में डिग्री में लिखा जाएगा, π/2 बच जाएगा। चाहे तो आप सीधे 90 लिखिए ना, आपको डिग्री में ना निकालना है, तो 90 लिखते हैं यहाँ पे, सीधे हम लोग 90 ही लिखते हैं। चलिए अब चलते हैं 1 रखने की कोशिश करते हैं, 1 रखिएगा तो ये पाई हो जाएगा यानी 180, और ये 1 रखिएगा तो -π, तो वही आएगा 90 ही आएगा। चलिए 2 रखिएगा तो ये 2π यानी कि ये 2π का मतलब कितना, आपका 360, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे ये, तो यहाँ 2 रखिएगा ना आप यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ 90 आ जाएगा, तो 90 में 360 जोड़ दीजिएगा तो 450 डिग्री एक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर यहाँ पे आप 3 रखिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 + 3 = 54 और यहाँ तो माइनस आएगा ना, 3 रखिएगा तो वही आ जाएगा 450 ही आ जाएगा। चलिए 4 रखिएगा तो 18 + 2 = 720 और ये प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि 90, तो 720 और 90 आपका कितना हो जाएगा, तो 720 और 90 हो जाएगा आपका 810। ठीक है, 810 डिग्री। चलिए अगर आप फिर चाहेंगे 4 रखना, 4 तो रख दिए, 5 रखना चाहेंगे तो 18 × 5 = 90 यानी कि 900, और ये आप क्या रखे हैं यहाँ पे, 5 रखे हैं ना, तो ये घटेगा तो फिर यही आ जाएगा 810 आ जाएगा, 90 घटेगा ना 900 में से, तो 810 आ जाएगा। चलिए तो ये आपका 5 भी हो गया, 6 रखते हैं, तो 6 रखिएगा तो ज्यादा हो जा रहा है, यानी यही 3 वैल्यू होंगे, समझ रहे ना। क्योंकि आंसर आपका जो दिया है, आंसर में गड़बड़ कर दिया, पता है क्या किया है, आंसर में फर्स्ट नंबर का आंसर सेकंड नंबर में दे दिया, सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर में कर दिया, ये आप सुधार कर लेंगे। ठीक है, ये सेकंड नंबर में आंसर दिया है तो इसको सुधार कर लेंगे आप, समझ रहे ना।